रोहित से गई टीम इंडिया की कप्तानी, हार्दिक बनेंगे नए कप्तान, पांड्या जिताएंगे भारत को सीरीज। जी हां, आपने जो सुना वो सच हो सकता है, क्योंकि रोहित शर्मा से टीम इंडिया की कप्तानी अगले कुछ मैचों से जा सकती है और हार्दिक पांड्या टीम के नए कप्तान बन सकते हैं। ऐसा क्यों है, चलिए आपको सारी जानकारी दे देते हैं। टीम इंडिया इस समय वेस्टइंडीज से 5 मैचों की T20 सीरीज खेल रही है, जिसमें भारत सीरीज में 1-2 से आगे है। सीरीज का 4th और 5th मुकाबला अब 6 और 7 अगस्त को खेला जाएगा। ऐसे में इन दोनों मुकाबले में अगर टीम इंडिया एक भी मुकाबला जीत लेती है तो वो सीरीज में जीत हासिल कर लेगी, लेकिन अगर टीम इंडिया अगले 2 मुकाबले में कमजोर पड़ गई तो भारत के हाथ से सीरीज निकल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत कमजोर क्यों पड़ सकता है, तो इसके पीछे की वजह है टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, जिनके आने वाले मुकाबले में खेलने पर संकट के बादल गहरा रहे हैं, और अगर रोहित शर्मा टीम के साथ नहीं रहेंगे तो भारतीय टीम की कप्तानी कौन संभालेगा। तीसरे T20 में पीठ की परेशानी से बैटिंग नहीं कर पाए रोहित। तीसरे T20 मुकाबले में आपने देखा कि रोहित शर्मा ओपनिंग करने आए, 5 बॉल पर रोहित ने 11 रन बनाए। इसके बाद रिटायर्ड हर्ट हुए रोहित शर्मा, मेडिकल टीम ने ग्राउंड में आकर रोहित शर्मा का चेकअप किया। रोहित को उस दौरान कमर में कुछ तकलीफ हो रही थी। रोहित शर्मा की कमर में जकड़न की शिकायत है और ऐसे में मेडिकल टीम रोहित शर्मा पर निगरानी रख रही है। अब अगर रोहित शर्मा को ये बैक स्पैज़म की परेशानी सामने आई है तो उम्मीद है कि आने वाले मुकाबले के लिए वो फिट हो जाएंगे, लेकिन अगर रोहित शर्मा फिट नहीं होते हैं तो भारतीय टीम को बड़ी परेशानी हो सकती है। आगे सीरीज में रोहित के खेलने पर संकट, पीठ में परेशानी की वजह से अगर रोहित शर्मा अगले कुछ दिनों में फिट नहीं हुए तो उनके आने वाले 2 मुकाबलों में खेलने पर संकट के बादल गहरा सकते हैं, क्योंकि BCCI भी रोहित शर्मा को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि इस सीरीज के बाद टीम इंडिया को एशिया कप में खेलना है, जो भारत के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा, और एशिया कप में तो भारतीय टीम कोई भी गलती नहीं करना चाहेगी और टीम इंडिया नहीं चाहेगी कि उनके कप्तान रोहित शर्मा उस एशिया कप में बाहर रहे। ऐसे में रोहित शर्मा को अगले 2 मुकाबलों में आराम भी मिल सकता है। हार्दिक को मिल सकती है भारत की कप्तानी। जी हां, आपने सही सुना, अगर रोहित शर्मा टीम के कप्तान अगले 2 मुकाबलों में नहीं खेल पाएंगे तो उनकी जगह वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या को कप्तानी मिल सकती है। रोहित शर्मा इस टीम के कप्तान है, वहीं हार्दिक पांड्या इस टीम के उप कप्तान है, और रोहित शर्मा जब कप्तान के रूप में टीम के साथ नहीं खेलेंगे तो हार्दिक पांड्या को उनकी जगह टीम की कप्तानी मिल सकती है। हार्दिक पांड्या ने इस साल IPL 2022 में गुजरात टाइटंस की कप्तानी की थी, उनके कप्तानी में टीम ने खिताब जीता था। उसके बाद हार्दिक पांड्या टीम के साथ आयरलैंड दौरे पर गए, जहां उन्होंने टीम इंडिया की कप्तानी की और वहां पर 2-0 से भारत को सीरीज जिताई। ऐसे में हार्दिक पांड्या अगले 2 मुकाबलों में भारतीय टीम के कप्तान बन सकते हैं। हार्दिक पांड्या एक मैच्योर कप्तान नजर आते हैं और उम्मीद है कि उनकी कप्तानी में टीम इंडिया अगले दोनों मुकाबले भी जीतेगी और सीरीज को 1-4 से अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को अगले 2 मैचों में कप्तान बनाया जाएगा तो टीम इंडिया के प्रदर्शन में इसी तरीके की निरंतरता बनी रहेगी? हमें अपने कमेंट बॉक्स में राय से बताइए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।